सोमवार से देश के हजारों ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रांसपोर्टरों का साफ कहना है, जब तक नई जुर्माना नीति को वापस नहीं लिया जाता तब तक चक्का जाम और हड़ताल जारी रहेगी। इसका असर दिल्ली के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवांशु मल्होत्रा ने। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के साथ साथ अपनी तमाम मांगों को लेकर आज देश भर के तमाम ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। आप दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स यहां पर चक्का जाम का आह्वान किया है। ये बताइए कि आज आपका चक्का जाम है, क्या कुछ इशू है? मैं भाई तरह प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा आज मीडिया के द्वारा ये बताना चाहता हूँ। हमने रात को 12:01 पे स्ट्राइक पूरे ऑल इंडिया में देशव्यापी चक्का जाम घोषित कर दिया है। हमने अपने सभी ट्रक खड़े कर दिए हैं और हमारा जगह जगह प्रदर्शन जारी है। हरियाणा के दादरी में, भिवानी में, महम में, हिसार में, माधुरगढ़ में, रोहतक में, करनाल, जींद, पावड़ी, हरिद्वार में और मद्रास में, ऊना में, हर जगह हमारा संगठन काफी मजबूत है और ट्रांसपोर्ट एकता का हमारे फुल साथ मिल रहा है और हरियाणा की सभी एसएसओ ने हमारे साथ में आ गई है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की नोटें हमारे साथ में हैं। क्या इश्यूज की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? 2019 का व्हीकल एक्ट है, उससे हमारा गाड़ी बड़ा दिन भर बर्बाद होता जा रहा है। हम ट्रांसपोर्टर सब मारे गए, सबकी गाड़ियां बिक चुकी हैं, लोगों के 4-4 लाख रुपए के चलान हो रहे हैं, उससे गाड़ी वाला काफी मरता जा रहा है। वो चलान भुगतने की अक्षमता में नहीं है, वो गाड़ी वाला काफी दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, सिंगल मोटर मालिक मरता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हालत बद से बदतर होती है। हमारी जो भाईचारा वेलफेयर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट है, ये ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है। ऑल इंडिया में कम से कम 50,000 ट्रांसपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये कि जो हमारे और जो बाकी 119 एसोसिएशनें वो हमारे साथ हैं, 119 जो एसोसिएशनें हैं, बहादुरगढ़ हो गई, भालगढ़ हो गई और जितने भी समस्त हरियाणा और पंजाब की जो यूनियनें हैं, एसोसिएशन, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे को भरपूर समर्थन दिया है और अपनी गाड़ियां रोड पे नहीं भेज रहे। वो आज सुबह भी उनसे बात हुई, उन्होंने कोई भी गाड़ी नहीं भेजी है, सारी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हुई है। सर, हम लोग देख पा रहे हैं कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में तमाम जितने भरे हुए ट्रक हैं उनको आप रोक रहे हैं। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें तो परचून माल जो है वो लोड होता है, लेकिन जो थोक व्यापारी हैं उनके पास गाड़ियां जा रही हैं उनको किस तरीके से रोक रहे हैं? सभी को मैसेज करके किया गया है, व्यापारी कोई गाड़ी लोड नहीं करा रहा। मेरी भी आज सवेरे 5-6 व्यापारियों से बात हुई, मैंने कहा कि आपके आज कोई ऐसा व्यापारी नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा काम है अनाज का और हर व्यापारी के पास अपने व्हीकल जरूर है, कमर्शियल व्हीकल जरूर है। मैं कभी आपका चला नहीं हो रहा वगैरह मेरे, क्योंकि उनके पास तो बेचारों कुछ पता नहीं, उनके तो 40,000 रुपए के खाम खाम के चलान जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि और तमाम जितने एसोसिएशन है उसके लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ आप लोगों का तालमेल क्यों नहीं है, भाईचारा क्यों नहीं है? हमारा भाईचारा उनके साथ, सभी यूनिटें साथ में है, हमारा समर्थन पूरे भारत में भाईचारा के साथ है। बाकी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रखी है, पूरे ट्रक मालिक, ट्रक ओनर, फ्लीट ओनर हमारे साथ हैं, जिनकी गाड़ियां हैं वो सब हमारे साथ हैं। ड्राइवर के कुछ लोग अपनी राजनीति के चक्कर में ये कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा भाईचारा से बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं। करीब 50,000 जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर हैं, उनकी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गाड़ियां जो है वो हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन देशव्यापी चक्का जाम की बात कर रहे हैं और तमाम इश्यूज हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो लाया गया है उसको निरस्त किया जाए, इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ाए गए हैं उसको कम किया जाए, डीजल के लगातार।